नमस्कार, मैं गाजीपुर जिले में एक गांव है औरिहार कला व खुर्द। इस गांव में मैं बगल से जा रहा था तो एक प्रत्याशी हैं सुनील उर्फ मुन्ना राजभर। जरा इनको देखने से लग रहा है कि इनकी राजनीतिक भविष्य जो है ठीक ठाक लग रही है। मैं इनके आवास पे आया हूँ, भीड़ है, लगभग बहुत लोगों का भीड़ है। ग्राउंड रिपोर्टिंग मुझे करना है, मैं कर भी रहा हूँ। पंचायत चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा उत्सव है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या इनका इस चुनाव में मुद्दा है, इनका चुनाव में जो है क्या मुद्दा है। और अभी बगल में कोई प्रत्याशी जा रहे हैं, आचार संहिता लगा हुआ है, नारेबाजी भी कर रहे हैं। थोड़ा कैमरा मैन इन लोगों को भी दिखा दीजिएगा। इनका भीड़ जो है देखिए, आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन भीड़ जो है लगभग हमको लग रहा है कि अभी तक 70-80 आदमी की भीड़ दिख रही है। हाँ, 70-80 आदमी की भीड़ लग रही है, जबकि 24 घंटा पहले जो है प्रचार, भीड़ में प्रचार बंद हो जाता है। जैसा कि अभी मुन्ना ने मुझे बताया है कि इनको प्रशासन, स्थानीय प्रशासन ने कहा था कि 5 आदमी के साथ जो है प्रचार करें। क्या नाम है प्रत्याशी का, इनके प्रत्याशी का? गीता देवी। और नहीं, इनके हस्बैंड का नाम बताइए। छेदी कहार हैं, कुम्भार हैं या कुहार हैं। और इनकी जो प्रत्याशी हैं जो है 70-80 की भीड़ लेकर के नारेबाजी करते हुए चल रही हैं, तो आचार संहिता का उल्लंघन न हो और हम चाहेंगे कि नारेबाजी ना किया जाए। नारेबाजी से एक दूसरे के अंदर जो है कुछ जोश की भावना आ सकती है, विरोध भी हो सकता है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से गाजीपुर के SP और गाजीपुर के DM और उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को मैं व्यक्तिगत तौर से यह कहना चाहूँगा कि चुनाव में इस तरह की एक्टिविटी उचित नहीं है। हाँ, लिहाजा, खैर, मेरा कैमरा मैन इस चीज़ को दिखा रहा है। अब मैं डिबेट पे आ रहा हूँ। तो सुनील जी, आपका नाम मुन्ना राजभर है, कैसा अनुभूत और महसूस हो रहा है सर चुनाव में आकर? बहुत बढ़िया सर। पहला चुनाव आपका है? नहीं सर, दूसरा है चुनाव। पहला चुनाव में कैसा कंडीशन रहा आपका? अच्छा था, फिर भी हमने तैयारी बढ़िया। मतलब 5 साल समाज सेवा किया? जी जी सर। क्या मुद्दा है सर आपका, मतलब मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? यही चुनाव है कि सर हमारे गरीब जनता को ये जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। हमारी जो गरीब जनता है बहुत परेशान है। और गरीब में तो सारे जात आ गए, मतलब सारे गरीबों की बात आप कर? जी जी, तो हमारे जो पात्रधारी हैं गरीब जनता, उनको कोई लाभ यहाँ नहीं मिल पाता है। क्या रुझान है इस औरियार कला खुर्द में, आपको लग रहा है कि आप चुनाव जीत रहे हैं? जी जी सर, हमको पूरा भरोसा इस बात जनता का, हमारे साथ जनता, मतलब जनता और भगवान का भरोसा है? जी जी सर, जनता भगवान का भरोसा है। और कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है सर? सर ये तो जनता बताएगी। बहुत परसों चुनाव है, वोटिंग होना है। आप औरियार कला व खुर्द के जो है जन पब्लिक से, मतदाता से क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहूंगा कि मैं एक पढ़ा लिखा और शिक्षित आदमी हूं। आप लोग कृपया जो भी प्रत्याशी हो उसको देखते हुए जो ग्राम औरियार कला का सेवा और विकास करे उसकी आप लोग वोटिंग करें। हमारे इस चैनल के माध्यम से यदि औरियार कला व खुर्द की जनता, औरियार कला खुर्द के लोग, औरियार कला खुर्द के नागरिक, औरियार कला व खुर्द के मतदाता तक हमारी बात जाती हो, गाजीपुर जिले, उत्तर प्रदेश जिले के लोगों तक हमारी बात जाती हो, तो जैसा सुनील और मुन्ना राजभर ने बताया है कि इस बार इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करके इनको चुनाव जो है जिताया जाए और चुनाव जिता करके एक बढ़िया नवयुवक को राजनीति में आगे बढ़ाने का अवसर दे करके गरीबों, वंचितों, कमजोरों और असहायों का जो है सहयोग किया जाए। धन्यवाद हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक यू।